मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो तूफान बिपरजॉय के जो अवशेष हैं, यानी लो प्रेशर एरिया डिप्रेशन, वो किन इलाकों में अब बारिश देने वाले हैं। एक कहावत है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि कभी कभी आपदा भी वरदान साबित हो जाती है, वही देखने को मिला है। हालांकि नुकसान तो हुआ है, जो आपदा प्राकृतिक आपदा तो प्राकृतिक आपदा ही होती है। काफी मतलब लाखों घरों को नुकसान हुआ है गुजरात में, वहां तो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो राजस्थान में जो मूसलाधार बारिश हुई है, उसका इंतजार था राजस्थान वालों को, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा बारिश हो जाएगी। हालांकि वो बाढ़ जैसी स्थिति तो पैदा हो गई, काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। लेकिन अगर इसको पॉजिटिवली देखा जाए, यानी कि जो प्राकृतिक प्रकृति है उसके खिलाफ तो हम जा नहीं सकते, लेकिन हाँ, अगर इसी को हम थोड़ा सा पॉजिटिव रूप में देखा जाए तो ये पानी की जो कमी थी वो बहुत हद तक पूरी हो गई है। और जो रेगिस्तान था, थार डेजर्ट है, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है। जो पूरे साल की बारिश है, खास करके उदयपुर वगैरह की बात करें, तो वहाँ पर जो पूरे साल में बारिश होती है वो लगभग 3-4 दिनों में ही हो गई है। उसी तरह से जालौर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, ये जो इलाके हैं, इन्होंने इतनी ज़्यादा बारिश देखी है कि जो मानसून की जो कमी है, यानी कि मानसून जो लेट पहुँचेगा, उसकी कमी को भरपाई हो चुकी है। और जो पानी इतना ज़्यादा इकट्ठा है कि अब अगले जो 7-8 दिन बारिश के कम हैं, यानी कि हल्की बारिश रहेगी या सूखा मौसम रहेगा, तो उसकी भरपाई हो जाएगी। और उसके बाद मानसून राजस्थान में पहुंच जाएगा, गुजरात में भी मानसून पहुंच जाएगा। तो ये जो दो राज्य हैं जो पिछले कई सालों से, हालांकि अभी जो क्लाइमेट चेंज का असर है, तो पिछले 5-6 सालों से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बारिश बढ़ रही है, बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा हो रही है। लेकिन जो ट्रेडिशनली ये सूखे इलाके माने जाते थे, तो यहाँ पर ये साइक्लोन बिपरजॉय का कहर कह लो या मेहरबानी कह लो, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। अब जो वेदर सिस्टम है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो हल्का है, जो पहाड़ों पर हल्की हल्की बारिश की अधिकता देगा। थोड़ी सी बारिश बढ़ सकती है, मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं जम्मू कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड में। लेकिन यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको जाना है, आप जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। गर्मियों की छुट्टियाँ अभी बच्चों की बची हैं, आप जा करके आनंद ले सकते हैं। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी उत्तर पश्चिमी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी मौसम इस तरह का बना हुआ है, गर्मी भी है, उमस भी है और बीच बीच में हल्की फुल्की बौछारें भी गिर रही है। यानी कि अभी राहत यहां पर नहीं है, गर्मी लगातार रहेगी अगले कुछ दिनों तक। उसके बाद यानी हल्की फुल्की बौछारें तो रहेंगी, और उसी तरह से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, यहां पर भी अब बारिश की संभावना कम होती जा रही है, क्योंकि जो डिप्रेशन था वो सेंट्रल राजस्थान में था, अब वो लो प्रेशर एरिया बनकर आगे आ रहा है। और अगर अगले मैप में देखें तो उसके बाद ये कहाँ पहुंचेगा ये भी देखते हैं, तो और आगे देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश पर आ जाएगा, यानी कि यही लो प्रेशर एरिया उत्तर प्रदेश पर आ जाएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे आ जाएगा। तो अब जो बारिश की गतिविधियां हैं अगले दो दिनों तक, हमें उम्मीद है कि जो राजस्थान के ये इलाके हैं, खास करके अगर हम देखें तो ये जो है आप कह सकते हैं भरतपुर, अलवर, अजमेर और जयपुर से लेकर के ये सिरोही, नहीं ये अपना करौली और सवाई माधोपुर, दौसा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी। और उसी तरह से हो सकता है कि कोटा संभाग में भी थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, लेकिन बाकी जो इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही थी उनको राहत मिल जाएगी, अगले 5-7 दिनों तक वहाँ बारिश नहीं है। ये तो पश्चिमी भारत की बात हो गई। उसी तरह से गुजरात में भी अभी यहाँ पर ये गुजरात में, हालांकि ये हवाएं तो यहाँ से आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। अभी यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क रहेगा, दक्षिणी गुजरात में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। ये तो बात हुई यहाँ की। अब हम बात करते हैं आगे की, मानसून की क्या प्रगति होने वाली है। तो दक्षिण भारत में मानसून को इसने रोका हुआ था बिपरजॉय ने, और बिपरजॉय जब ऊपर की तरफ गया, इस तरह से आया और यहाँ पर आकर के लो प्रेशर एरिया बन गया है। तो अब ये जो हवाएं हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हैं, यानी कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी हवाएं ही मानसून को लेकर आती हैं, इसीलिए दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। तो अब जो है कोस्टल कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और जो रायलसीमा है यहाँ पर बहुत तेज बारिश होगी, जैसे कि कोडप्पा, चित्तूर, अनंतपुर, ये सारे इलाके बहुत तेज बारिश देखेंगे, चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, इन इलाकों में तेज बारिश है। उसी तरह से तिरुवनंतपुरम से लेकर के कन्नूर, अलपुजा वगैरह जो केरल के जो जिले हैं वो भी बहुत तेज बारिश देखेंगे, बेलगावी से लेकर के होनावार, कारवार और जो अंदर है गंडक है, कोपल है, धारवाड़ है, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे, बेंगलुरु वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। कुल मिलाकर के मानसून जो है वो दक्षिण भारत में अब प्रगति करने वाला है।
तो दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो ये अब बहुत जल्दी ये पहुंचेगा, एक दो दिनों में ये मुंबई तक पहुंच करके और ये पूरे कर्नाटका को और तेलंगाना को इस तरह से कवर कर जाएगा और आगे जा करके ये बिहार और झारखंड के कई इलाकों को कवर कर जाएगा ये अगले दो दिनों के अंदर। तो मानसून इस तरह से प्रगति करेगा, यानी पूर्वी भारत में भी मानसून की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और जो पूर्वोत्तर भारत है वहां पर तो मूसलाधार बारिश हो ही रही है, आपको मालूम है कि ये इस तरह से ये जो है वो लगातार वेदर एक्टिविटी आ रही है। तो ये जो वेदर एक्टिविटी आ रही है इसमें एक मिनट, तो ये जो यहां से जो मौसमी गतिविधियां हो रही हैं, एक मिनट माफ कीजिएगा, हाँ ये जो मौसमी गतिविधियां हो रही हैं यहां से जो बारिश की ये यहां से हवाएं हैं लगातार ये बहुत तेजी से नमी बढ़ा रही हैं, इसीलिए पूर्वोत्तर भारत में बहुत तेज बारिश हो रही है, अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगी और यही जो हवाएं हैं अब टर्न कर रही हैं क्योंकि यहां पर ये जो लो प्रेशर एरिया आगे यहां पर आ गया है तो ये इन हवाओं को खींचेगा और ये लो प्रेशर एरिया इस और आगे आएगा और इन हवाओं को जब खींचेगा तो जो हवाएं हैं जब इधर से आएंगी नमी लेकर के आएंगी और यहां से अरब सागर से भी लगातार नमी आ रही है तो क्या होगा कि बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मानसून अब प्रगति करने वाला है। 23 जून तक हमें उम्मीद है कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यानी कि हम कह सकते हैं सिद्धार्थनगर कुशीनगर गोरखपुर प्रयागराज वाराणसी ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी मानसून दस्तक दे देगा और 26 तारीख तक ये मानसून जो है वो लखनऊ कानपुर तक पहुंच सकता है और हो सकता है कि ये 27 या 28 तारीख तक दिल्ली तक भी पहुंच जाए और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उस पूरे इलाके को कवर कर जाए। ये तो हुई गंगा के मैदानी क्षेत्रों की बात, अगर हम बाकी इलाकों को देखें खास करके अगर इनको देखें कि जो मध्य भारत है, मध्य भारत में ये अब क्या होगा कि ये जो लो प्रेशर एरिया है इसके प्रभाव से ये हवाएं आ रही हैं तो मध्य प्रदेश में अब बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट बारिश देखेगी और कई इलाकों में तो 150-200 मिलीमीटर की बारिश है, यानी कि अगला एक सप्ताह पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। छत्तीसगढ़ में हालांकि बहुत ज़्यादा तेज बारिश नहीं होगी, हल्की बारिश ही रहेगी, लेकिन मानसून छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी अगले 4-5 दिनों तक पहुंच जाएगा और यहां पर लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। ये तो यहां की बात हुई और उसी तरह से जैसे हमने बताया कि दक्षिण भारत में तो मानसून बढ़ने ही वाला है और बारिश की गतिविधियां ज़्यादा रहेंगी तो कुल मिलाकर के जो 26-27 तारीख से जो पूरा भारत है वो बारिश देखेगा और जो पूर्वी राजस्थान है और गुजरात के दक्षिण इलाके यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी और मंथ के एंड तक हमें लग रहा है कि जो मानसून है काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर जाएगा, जो पूर्वी राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों को कवर कर जाएगा और जो 8 जुलाई का डेट है जब 8 जुलाई को मानसून पूरे भारत को कवर करता है तो ऐसा लग रहा है कि जो मानसून ने देरी करी थी अब वो बहुत तेज से रफ्तार पकड़ेगा, यानी कि पहले कछुए की चाल चल रहा था अब वो चीते की चाल चलेगा और ये 23 तारीख से लेकर के 27 या 28 तारीख तक आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान को कवर कर जाएगा और मंथ के एंड तक हो सकता है कि पंजाब हरियाणा उत्तराखंड दिल्ली NCR सहित पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जो जो मध्य प्रदेश के कई इलाकों तक मानसून पहुंच जाए। मुंबई में भी अगले 2 या 4 दिनों तक बारिश की गतिविधियां रहेंगी लेकिन मानसून हमें लग रहा है कि ये 22 या 23 तारीख तक पहुंचेगा, उसके बाद मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी, मौसम सुहावना हो जाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हीट वेव से सीवियर हीट वेव चल रही है, लू की कंडीशन चल रही है बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल पूर्वी उत्तर प्रदेश उड़ीसा तेलंगाना विदर्भ मराठवाड़ा ये सारे इलाके अब राहत देखेंगे, कम से कम 3 दिन का और इंतजार है, 3 दिन के अंदर अंदर ये सारे इलाकों से हीट वेव समाप्त हो जाएगी और गर्मी से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर के अगले जो 10 दिन है वो बहुत ज्यादा अच्छे गुजरने वाले हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।